हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर कोरल रीफ प्रोटेक्शन। देखिए, हम कोरल रीफ के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हल्का सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। कोरल क्या होते हैं, कोरल के टाइप्स, हार्ड कोरल एंड सॉफ्ट कोरल। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी कंडीशंस जो इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। फिर हमने पढ़ा कौन सा आइलैंड है जो कोरल रीफ से बना हुआ है। फिर हमने पढ़ा कोरल रीफ के टाइप्स, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स, अटॉल। उसके बाद हमने जाना कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, कोरल ब्लीचिंग के रीजंस क्या है, क्यों होती है कोरल ब्लीचिंग। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं एक बार जाके उन्हें ज़रूर देखें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में मैंने वहाँ पे नोट्स बनाए हैं एंड सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो ग्लोबल लेवल पे लिए गए हैं कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? यहाँ पे सिर्फ इनिशिएटिव्स के नाम दिए गए हैं, कि इन केस आपको कहीं मेंस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इनके नाम वहाँ पे हाईलाइट करके लिख सकते हो, ठीक है? आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। सो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट है सस्टेनेबल ओशन इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, रीफ रिसाइलेंस नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, राइट? बस अब हमें और इन डेप्थ नहीं पढ़ना है इन इनिशिएटिव्स के बारे में, क्योंकि इनमें होना क्या है अल्टीमेटली, जो कोरल रीफ्स हैं। अब कोरल रीफ्स क्या है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है? तो कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट कैसे करके रखना है उसके बारे में इन इनिशिएटिव्स में जो है कुछ स्टेप्स लिए गए होंगे। नाउ हम बोल रहे हैं कि कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करना है, बट क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्या जरूरत है हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की, राइट? तो बस ये लास्ट टॉपिक है हमारे कोरल रीफ्स का, एंड उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। सो हमारा टॉपिक है व्हाई इज कोरल हेल्थ इंपॉर्टेंट। हमने कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन कोरल्स को बचाना, कोरल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो यहाँ पे चार मेन जो है रीजंस आप कह सकते हैं जो यहाँ पे मैंने कंसीडर किए हैं कि हाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए, मैंने ये एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इंटरनेट से उठाया है, क्योंकि वो भी अलग अलग वेबसाइट्स से, क्योंकि एक जगह आपको ये इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलेगा, ठीक है? सो कोरल हेल्थ इंपॉर्टेंट है मैरीन डाइवर्सिटी, टूरिज्म, फिशिंग एंड कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन के लिए। अब नाम से आपको हल्की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी, बट इन डेप्थ इन चारों के बारे में पढ़ते हैं, राइट? सो मैरीन डाइवर्सिटी क्या होती है? मैनी मरीन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देम फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। हेल्दी कोरल्स गुड मैरीन लाइफ, अनहेल्दी कोरल्स लॉस ऑफ मैरीन लाइफ कैन डिसरप्ट द फूड चेन। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे तीन चार लाइनों में कह दी गई है। अब देखिए होता क्या है, घास खाती है क्या हिरण या जो भी ये होते ना, जो मतलब सिर्फ घास खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, वो घास खाते हैं। फिर उसके बाद शेर वगैरह आते हैं, वो डियर को खाते हैं। इस तरह से एक फूड चेन चलती है हमारी। तो जैसे लैंड के ऊपर फूड चेन चलती है, वैसे ही ओशंस के अंदर भी फूड चेन होती है। बहुत सारे ऐसे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इन कोरल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? अगर कोरल्स हेल्दी होंगे तो मैरीन लाइफ अच्छी रहेगी, मेंटेन्ड होगी, बैलेंस्ड होगी। लेकिन अगर अनहेल्दी होंगे कोरल्स, यानी कोरल ब्लीचिंग हो रही है या और कोई इशू हो रहा है, जैसे हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े थे, है ना, तो उसकी वजह से मैरीन लाइफ में लॉस होगा। सिर्फ कोरल्स को लॉस नहीं होगा, जो भी उन पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको लॉस होगा, ठीक है? जिसकी वजह से जो फूड चेन है वो डिसरप्ट हो सकती है, उसमें बाधा आ सकती है, ठीक है? सो मैरीन डाइवर्सिटी के लिए कोरल रीफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चलते हैं टूरिज्म। टूरिज्म मतलब पैसा कमाना, है ना? सो अट्रैक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशंस। अब अगर कोरल रीफ्स अच्छे होंगे, मतलब बहुत सुंदर लगेगी जगह। कोरल्स होते क्या हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के, बहुत ही सुंदर कलर्स के एनिमल्स होते हैं, ठीक है? बड़ा डिफरेंट सा कलर होता है उनका, अगर आप देखेंगे ना गूगल पे भी तो बड़े चमकीले से कलर्स उनके होते हैं, ठीक है? अब अगर किसी जगह में इतनी सुंदर चीज़ें हैं तो वहाँ पे टूरिज्म तो वैसे ही बढ़ना है। अब टूरिज्म से होता क्या है, हेल्दी कोरल लाइफ। लोग आएंगे तो मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे बाहर से कोई इंसान आ रहा है कोरल्स के लिए पैसा दे रहा है, या मतलब वहाँ पे इंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ के लोकल लोग जिस वजह से बाहर के लोग वहाँ पे आ रहे हैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट भी तो करेंगे। कोरल जो वहाँ पे कोरल रीफ है उनको प्रोटेक्ट भी तो करेंगे, है ना? ब्लीचिंग कैन इफेक्ट द लोकल इकोनॉमी ग्लोबली। अब टूरिज्म से होता क्या है, टूरिज्म को हमेशा कंसिडर करना पैसे से। जिस भी जगह पे टूरिज्म है वहाँ के लोकल लोग बहुत अमीर होंगे, ठीक है? आप ले लीजिए कोई भी टूरिज्म डेस्टिनेशन ले लीजिए, है ना,
वहाँ के लोकल लोग अमीर होते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं उनको मनमर्जी का प्राइस वो बताते हैं, लोग खरीदते भी हैं, राइट। तो अब अगर कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो लोकल इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक हमने पढ़ा मैरीन डाइवर्सिटी, एक हमने पढ़ा टूरिज्म। अब हम पढ़ क्या रहे हैं कि कोरल लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों है, कोरल को हेल्थ, कोरल रीफ्स की हेल्थ प्रोटेक्शन क्यों हम इनिशिएटिव उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। दो और पॉइंट्स बचते हैं, फिशिंग एंड कोस्टल लाइन प्रोटेक्शन। देखिए ये चीज़ें ऐसी ना, एक बार समझ ली सुन ली तो हो गया। अब टूरिज्म मैंने आपको बताया, मैरीन लाइफ आपको बताया, तो उसमें याद क्या करना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फिशिंग। ना फिशिंग कम्युनिटीज, मतलब जो भी मछलियाँ हैं उनकी भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, स्पीसीज हैं, है ना। तो वो क्या करती हैं, डिपेंडेंट होती हैं सीजनल माइग्रेशंस कोरल्स पे, इधर से उधर माइग्रेट होती हैं, जब पानी ठंडा हो जाता है दूसरी जगह चल जाती हैं, या इस तरह से हर एक बर्ड्स भी हम पढ़ते हैं ना कि माइग्रेंट बर्ड्स आए ये वो, तो ये जितने भी स्पीसीज हैं ये इधर उधर घूमते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं, ठीक है, माइग्रेशन इनमें होती रहती है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं वो कोरल्स पे डिपेंडेंट होती हैं माइग्रेशंस के लिए। नाउ अनहेल्दी कोरल्स कैन लीड टू डिक्रीज इन फिशिंग एक्टिविटीज़। अगर कोरल्स हेल्दी नहीं होंगे, कोरल ब्लीचिंग हो रही है तो जिसकी वजह से फिशिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिक्रीज हो सकती हैं, विच इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ रहे हैं, अगर अनहेल्दी कोरल हैं वहाँ पर फिशेज़ नहीं आएंगी, है ना, और जो वहाँ के मछुआरे वगैरह होते हैं जो फिशिंग करते हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारी जो लोकल इकोनॉमी है उस पे फिर से इफेक्ट पड़ेगा। फिशिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका लास्ट पॉइंट हमारा आज का कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन। इसी के साथ एक बार फिर से कहूंगी, नोट्स बनाए क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज कहीं भी नोट्स मिलेंगे, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस, है ना। चलिए कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन की बात करेंगे। कोस्ट लाइन क्या होता है, जो तट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कुछ रीफ्स तट के पास होते हैं, कुछ दूर होते हैं, कुछ समुद्र में सेंटर में होते हैं, है ना, हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तब पढ़ा था। नाउ कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन में क्या होता है, दैट ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन्स बाय एब्जॉर्बिंग कॉन्स्टेंट वेव एनर्जी फ्रॉम द ओशन। ओशन से जो बहुत हीट आती है कई बार, तो उसको कोरल रीफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो तटीय इलाका होता है उसको उस वार्म वेव से बचाते हैं, दस कीप कोस्ट लाइन सेफ। इससे जो तटीय एरिया है उन्हें सेफ रखते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए कहीं पे कोरल रीफ आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस तरह से चीज़ों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है ना। जो पूछा है वो तो बताना ही है, बट उससे एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करते हो तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दो तीन चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।